दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोटर की फिटिंग किस प्रकार से करें, एक ही मोटर से तीन तरह का पानी किस प्रकार से लें, ये हमारा मोटर का सिस्टम बनाया है। मोटर सरिया लगा के हवा में लटक गई है, फर्श का पानी मोटर में ना लगे, और इसमें एक होद का पानी, एक सप्लाई का और एक मीठे पानी की सप्लाई है, उसकी लाइन दी गई है। और टंकी भरने के लिए हमने दो वाल लगाए हैं कंट्रोल वाल, वो भी फुल टर्न, हाफ टर्न लगाते तो प्रेशर टूटता है मोटर का। और ये राठी कंपनी की बहुत ही शानदार मोटर आती है, 1 HP की, प्रेशर बहुत ही अच्छा होता है। इसमें शर्त है कि लाइन आपको 1 इंची लेनी होती है पानी खींचने के लिए, तो बहुत ही अच्छा प्रेशर आता है पानी का। और ये इन दोनों का हमने फुल टर्न वाल लगा दिया है, इसमें पानी का प्रेशर नहीं टूटता है। एक यहाँ हमने यहाँ पर कुंड भरने के लिए पाइप दे दिया है, और एक गाड़ी वगैरह धोने के लिए हमने वाल टाइप में छोड़ दिया, जो गार्डन वगैरह में पानी दे सकते हैं। ये हमारी CPVC पाइपलाइन है, जो एक टंकी भरने के लिए है, दो बाहर से आ रहा है, एक खारे का और मीठे का। इसमें दोस्तों याददाश्त रह जाती है वीडियो बनाने से कि पाइपलाइन किधर से है, भविष्य में कभी भी कोई दिक्कत आती है तो हम यहाँ से देख सकते हैं और सही कर सकते हैं। ये हमारा रैंप पहले का बनने वाला था, यहाँ पर हमने एक टाइल निकाल के पूरा कनेक्शन किया है। यहाँ पर दो कुंड है, एक बरसाती पानी के लिए और एक खारा पानी के लिए। बरसाती पानी में हम ये पॉइंट छोड़ा है, यहाँ पर हम हैंडपंप लगाएंगे, बाद में हैंडपंप लगेगा यहाँ पर। और ये हमारा कंक्रीट होने के बाद में काम किया हुआ है, जिसका वीडियो दो टुकड़ों में था, तो हमने इसको भी साथ में ऐड कर दिया है। दोस्तों, आपको मोटर से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।